हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यसी की रसोई देसी खाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव। तो वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं चावल। चावल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। ये नॉर्मल चावल हैं, आज हम नॉर्मल चावल से बनाएंगे। ये लिया है मैंने पनीर, पनीर को रोस्ट कर लेंगे। ये ली है फ्रोजन मटर और ये है प्याज। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को रोस्ट कर लेंगे। तो पनीर को रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन में थोड़ा तेल डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये पनीर फ्राई हो गया है, पनीर को मैंने निकाल लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं पुलाव। तो गैस पे मैंने कुकर रखा है। अब इसमें पहले हम ये तेल डाल देंगे जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, ये डाल देंगे। अब साथ ही थोड़ा तेल और डालना है, थोड़ा तेल और डाल देंगे, लगभग 3 चम्मच। ये मैंने डाल दिया इसमें 3 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को, तो अच्छे से प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जलाना नहीं है। ज़्यादा डार्क प्याज होगा तो खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और दिखने में भी नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो अच्छे से प्याज को पहले पका लेंगे। तो ये प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चावल और चावल को साथ ही फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं चावल को मैंने इसलिए फ्राई किया है कि सारे चावल कोट हो जाएं तेल से। तो आप देख सकते हैं सारे चावल कोट हो चुके हैं तेल से। अब इसमें साथ ही डाल देंगे हम फ्रोजन मटर, इसको भी 1 से 2 मिनट चला लेंगे डालकर। और अब डालेंगे कुछ मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालना है, हल्के मसाले डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये ली है मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर देंगे चलाते हुए। अब इसमें पानी डाल देंगे। हमने 2 कप चावल लिए थे तो हम यहाँ पर 1 गिलास पानी का यूज़ करेंगे इसको पकाने में। तो ये मैंने पानी डाल दिया है 1 गिलास। अब इसको चारों तरफ से इकट्ठा कर देंगे, जो चावल लगे हुए हैं कुकर में वो भी निकल जाएं, इधर आ जाएं बीच में। तो आप देख सकते हैं अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और जो हमने पनीर रखा था फ्राई करके उसको भी साथ ही डाल देंगे, जिससे मसाले और पनीर सॉफ्ट भी हो जाएगा और पनीर में मसाले भी अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो अब 1 विसल आने तक हमें पकाना है इनको। तो अब कुकर में 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो अब 1 सीटी आ चुकी है और प्रेशर भी निकल चुका है कुकर का। तो अब देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आप इसको बोल सकते हैं पुलाव, बोल सकते हैं पनीर पुलाव या वेज पुलाव, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये बनकर तैयार है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको सर्व कर लेंगे।
इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका पुलाव फेल नहीं होगा और बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा, खाने में भी बहुत टेस्टी है।